देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने मीडिया को बताया कि आखिर उन्हें भारत रत्न से क्यों नवाजा गया है। नहीं, कोई राजनीति नहीं, उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने की दावत कबूल की थी। अब बहरहाल आरएसएस को कुछ तो उसके बदले में देना था। बंगाल में काफ़ी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी, तो इस कदम को क्या मानते हैं आपके उससे कोई कड़ी जुड़ी है? नहीं, पैर ज़रूर पसारें, लेकिन ये ख्याल रखें नीचे तेजाब ना हो।